हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक भैया अभी की न्यूज देखो सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील ने मोदी विरोधी किसानों के एजेंडा की पोल खोल दी अच्छा मेरे को तो पता नहीं चला था क्योंकि कल मैं सारे कमेंट्स तो पढ़ नहीं पाई तो कई आपका मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें बता रहे थे कि कई लोग लिख के हमको ये बोल रहे थे कि आप किसान आंदोलन के ऊपर क्यों नहीं वीडियो करते हैं आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि इट इज नहीं क्योंकि आप मोदी जी के साथ हो और ये किसान जो है वो उनको उनके साथ मोदी जी पता नहीं उस टाइप से कुछ लिखा होगा मुझे नहीं पता मैं सोच रही हूँ भैया

जैसे हमें फायदा हो रहा कुछ वी कांट वोट मगर न्यूट्रल पार्टी देख रही है जो देश के लिए बेस्ट है हम बता रहे हैं तो दूर से जो बैठा हुआ इंसान है जो देख रहा है उसको क्या दिखता जो है जो यूएसए में बैठा इंसान है जब वो इंडिया को देखता है इंडिया की न्यूज देखता है इंडिया की प्रोग्रेस देखता है जब वो जाता है वहां पे तो वो आपको बता रहा है कि मोदी जी के अंदर आपका देश जो है बहुत ब्यूटीफुल जा रहा है बिल्कुल ये समझ मोदी जी के अंदर देश जो है बहुत तेज जा रहा है हमें बहुत प्राउड फील होता है की हम इंडिया से है भैया हमारा देश देखो कितने आगे जा रहा है मोदी जी के अंदर ही फीलिंग आती है और अभी तक जो भी आता कोई फीलिंग नहीं आई थी इसलिए हम बता रहे हैं मैं बताती क्या फीलिंग इज रियल फीलिंग की खुशी होती है प्राउडली बोलते हैं हाँ। क्योंकि आप इंडिया को देखिए कितना तेजी से ते प्रोग्रेस कर रहा है खुशी और मोदी जी से पहले पता है क्या फीलिंग आती थी हाँ। कुछ नहीं होएगा इस देश नहीं का नहीं बस यही चलता हाँ। रहेगा दुनिया आगे बढ़ती रहेगी हम वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे सच बता रही हूं कड़वा सच है ये तो चलो वीडियो शुरू करते हैं किसानों के दलाल फिर से दिल्ली कूच कर रहे मैं किसानों का दलाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये असली किसान नहीं है लो पहले ये जो तथा तो कथित किसान नेता है ना कोई 500 करोड़ का मालिक है कोई हजार करोड़ का मालिक पहले तो खालिस्तान के पास दस पेट्रोल पंप है किसी के पास बीस पेट्रोल पंप लो लो सुन किसी के पास बड़े बड़े फार्म हाउस है तो ये किसान नहीं है वास्तव में किसानों के दलाल है ये किसानों के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियों से दलाली करते हैं इलेक्शन जो आ पॉलिटिकल पार्टी इनको सौ करोड़ दे देती है इधरना शुरू कर देते हैं अब समाधान क्या है समाधान यह है कठोर कानून जब ये पिछली बार बैठे थे ना hmm. जब इन्होंने लाल किला पे हमला हाँ. किया बाकी सड़क को जाम no, किया तो अगर ढंग से इनके खिलाफ मुकदमा हो गया होता hmm. और साल भर के अंदर इनको सजा हो गई होती hmm. तो ये जेल में होते बाहर होते ही नहीं है बिल्कुल ये बाहर इसलिए घूम रहे क्योंकि कानून घटिया है बिल्कुल आप जरा सोचिए आम आदमी अगर हेलमेट नहीं लगाता तो चलान कटता है सीट बेल्ट नहीं लगाता तो चलान कटता है ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ देता है तो भी चलान कटता है और वही ये किसानों के दलाल हाईवे घेर के बैठ जाते हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती चला लाल किले के ऊपर खड़े हो जाते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती इतना बड़ा ऐसी जगह पे जहां पे लोगों को तंगी नहीं होती और घटिया कानूनों का फायदा उठा रोड के साइड में मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए ना कि जो भी पचास हजार रुपए से महंगी संपत्ति है उसको आधार से लिंक किया जाए केवल एक कानून बन जाए इन किसानों का कालो काला कारोबार सामने आ जाएगा ये जितने किसान तथा तो कथित सफेद कुर्ते पैजामे में चप्पल में दिख रहे हैं ना फिर पता चलेगा ये मर्सिडीज इनके पास करोड़ों रुपए की मर्सिडीज है इनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस है इनकी फैक्ट्रियां चल रही है इनके पास पांच सौ एकड़ हजार नहीं 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 हजार एकड़ इनके पास जमीन है सारा का सारा फिर पता चलेगा नहीं, 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 इनके पास बॉम्बे में भी मकान है दिल्ली में भी मकान है बेंगलोर में भी मकान है और गोवा में भी मकान ये कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए फिर पता चलेगा इनके पास कितना कालाधन है इनके पास कितनी बेनामी संपत्ति है इनके पास कितनी आयसेरिक संपत्ति है केवल भारत में पुलिस चार्टर लागू कर दिया जाए कि जो आदमी अवैध कार्य करेगा कानून तोड़ेगा एक घंटे के अंदर होगी हो और एक महीने के, के अंदर जांच पूरी होगी दुनिया कई देशों में है अरे कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी पुलिस, के पुलिस ने आके चालान कर दिया का पुलिस ने चालान कर दिया ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का ऋषि का भी सीख नहीं सकते क्या कि जो आदमी हाईवे जाम करेगा सड़क जाम करेगा लोगों को परेशान करेगा सड़क में गड्ढा खोदेगा सड़क को तोड़ेगा उससे उसकी पैसा भी छीनेंगे जो हाँ? पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होगी वो भी छीनेंगे और उसको जेल भी भेजेंगे हाँ? धरना प्रदर्शन के नाम पे आप ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं कि वो आदमी कुछ भी कर ले आके पता नहीं क्या और किसान आंदोलन की आल में आड़ में खालिस्तानी भी कूच कर रहे वही तो बोल रही थी मैं वो कनाडा में बैठा हुआ जो खालिस्तानियों का नेता है वहां से धमकी दे रहा है पन्नू कि सारे खालिस्तानी आगे बढ़ो इसलिए मैं कह रहा हूं ये किसान आंदोलन नहीं और हमारे पे कमेंट्स आ रहे हैं किसान आंदोलन करो पार्टियों द्वारा और को द्वारा, द्वारा कुछ एक आयोजित कार्यक्रम है चलो ये जो भी है लेकिन तूतू करने से नहीं रुकेगा वीडियो शेयर करने से नहीं रुकेगा भय बिन हो न प्रीत सठे साठम समाचार मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए पता तो चले ये किसान नेता है या किसानों के दलाल है जनता को पता चलना चाहिए पुलिस चार्टर लागू करिए घंटे के अंदर हाँ। जस्टिस हो गया और जिसके पास धन मिले जिसके पास बेनामी संपत्ति मिले उसको 100 परसेंट प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाइए जिसके पास धन बेनामी संपत्ति मिले उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए और जैसे दुनिया के कई तो देशों दे में भ्रष्टाचारियों <laughs> को फांसी देने का कानून है वो कानून बनाइए तो करना चाहिए क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी अगर आप शांति चाहते हैं भारत में शांति तो बनी, बनी रहे मोदी जी करो तो एक ही तरीका है केवल और केवल कानूनों में बदलाव बहुत अठारह सौ इकसठ का पुलिस एक्ट खत्म करिए वन नेशन वन पुलिस कोड बनाइए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए आर्टिकल ट्वेंटी में संशोधन करिए ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए भ्रष्टाचारियों की हंड्रेड परसेंट प्रॉपर्टी जब्त करने आजीवन कारावास देने और नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए और सबसे ज्यादा जरूरी है जुडिशियल चार्टर लागू करिए एक साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो यह अनिवार्य वे करिए वेरी गुड जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये अलगाववादी जिहादी दलाल ये इकट्ठा होते रहेंगे और ये जो आंदोलन जीवी बैठे हुए हैं ना ये जो दिल्ली के तथा खान मार्केट वाले, ये खान मार्केट वाले भी अरबपति हैं ये जो चप्पल पहन के घूमते हैं कई बार आपने देखा होगा जो किसानों के बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये सब पांच पांच दस दस मकान के मालिक है करते धरते कुछ नहीं है इनकम कोई नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी खूब बना रहे क्योंकि ना कभी उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे पे काम कर रहे हैं कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के की सारे सारे काम काम कर कर रहे रहे हैं हैं कभी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी के सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये कभी अखबारों में लेख लिखेंगे कभी टीवी पे बाइट देंगे <coughs> तो ये जो अराजकता फैली है इस अराजकता का एक ही इलाज है सौ रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिस दिन सौ रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी आधी अराजकता ऐसी खत्म हो जाएगी जिस दिन प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया अब तो कोई नोट नहीं लाने कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दिया कि पांच हजार रुपए से महंगे सामान को कैश खरीद ही नहीं सकते कैश में खरीद ही नहीं सकते ये जो तथा कथित नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी इस किसान आंदोलन का समर्थक कर रहे हैं ना ये सब कैश में मोटा कारोबार करते हैं सब कैश में मोटा कारोबार करते सौ रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए पांच हजार रुपए सेन देख बंद हो जाए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक लिंक कर दिया जाए कर दिया जाएगा आपको जो सारा का सारा आपको ट्रांजेक्शन करना है बहुत अच्छा बता रहे हैं देखो वो तो मैं भी हम भी बोलते हैं कि लॉज बहुत स्ट्रिक्ट बनने चाहिए हर एरिया में और फास्ट

उसी एरिया में आप रह सकते हो और कैसे वो आपको ढंग से करना है और कई बार तो वो कहते हैं बोलना भी नहीं अलाउड क्वाइटली बस अपने बैनर्स लेके खड़े हो जाओ बोलना नहीं नहीं कर सकते ऐसा नहीं कुछ भी कर दो प्रोटेस्ट करना चाहता है वेलकम टू डू इट मगर तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ट्रैफिक को पर ये ऐसे तो करते ही नहीं है अगर तुम नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो देन यू आर ब्रेकिंग द लॉ होगा और फिर तो एक्शन होएगा होएगा ही होएगा। और ये तो सारे वही हैं जो अब वो आ रहे हैं ना इलेक्शन ये इलेक्शन से पहले का इन्होंने ये कर रहे हैं है ताकि लोगों को भड़का के किसी तरह से वोट मिल जाए जो भी फार्म लॉस थे उनको रिपील कर लिया तो उनको लग रहा है की हम बड़ा जीत गए उन्हें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने कोशिश तुम्हारे अच्छाई के लिए की थी और ये जो थे लोग एक्चुअल अच्च, किसान तो है ही नहीं यहाँ पर वो बेचारों को नुकसान झेल रहे हैं और ये हैं जिन्होंने जो जिन बता रहे हैं कितने अमीर अमीर बैठे काफी ख्याल कार्रवाई होगी होनी चाहिए अब अब ए, ए, लाइटली नहीं लेना चाहिए पिछली बारी की तरह पूरे थोड़ा सा एक्शन तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए